हाय एवरीवन, वेलकम टू अन एकेडमी। आई एम जतिन वर्मा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर। 26 जून से 1 जुलाई के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज रही उस पर एक नजर डालेंगे क्विकली, ताकि जो लोग रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं उन्हें यह पता लग जाए कि कौन कौन सी न्यूज क्लिपिंग्स हैं जो संभाल के रखनी है, या जिनको फ्यूचर रिविजन के लिए थोड़ा सा नोट्स जिन पे बनाने चाहिए, जिन्होंने स्किप किया है एक आध दिन उनके लिए भी। और जो लोग वर्किंग हैं, जॉब गोअर्स हैं, या जो लोग कोई और डिग्री कोर्स कर रहे हैं, डेली बेसिस पे न्यूज़ एनालिसिस नहीं सुन सकते, एटलीस्ट इन स्पेसिफिक दिनों की अपने अपने न्यूज़पेपर्स में ये न्यूज़ आप रीड कर सकते हो, राइट? तो ये इसी मंशा से बनाया गया है। आई होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। पेज वन पे 27th ऑफ जून का न्यूज़पेपर है। 26th जून को देखिए, सैटरडे संडे और मंडे की छुट्टी होने के चलते मतलब हिंदू में कुछ नहीं आया था 26 जून को, ठीक है, इसीलिए कोई न्यूज उसकी इंपॉर्टेंट नहीं है। और 27 जून पे आ रहा हूं डायरेक्टली। कैबिनेट ने ये कंसीडर किया था कि सेल ऑफ एयर इंडिया में जितना भी हिस्सेदारी है, मतलब सरकार की 100% ओनरशिप है, सरकार उसे बेचने की मतलब एक प्लान बनाया गया था। तो इसमें डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट है, ठीक है, तो उसकी रिपोर्ट के बेसिस पे, उसके नोट के अकॉर्डिंग सेंटर ये कंसीडर कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, या 100% हिस्सेदारी बेच दी जाएगी या 74% कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनर ढूंढा जाएगा सरकार अपने इस एयर इंडिया को चलाने के लिए, ठीक है। नीति आयोग और फाइनेंस मिनिस्ट्री की प्रपोजल ये है कि पूरा का पूरा इसे बेच दिया जाए, क्योंकि 50,000 करोड़ का इस पे कर्जा है। अब इस विषय में हमने डिस्कस किया था कि दीपम जो है उसके फंक्शंस क्या क्या हैं, प्रीलिम्स में ये पूछे जाते हैं, तो डिटेल के लिए आप देख सकते हैं ऐसे न्यूज उसमें एनालिसिस में 27 जून के, ठीक है। तो ये भी हमने डिस्कस किया था डायग्राम, और आप ऐसे डायग्राम अपने एग्जाम्स में भी बना सकते हैं फ्रेंड्स। और पेज 11 पे 27 जून के इंपॉर्टेंट न्यूज है काफी, कि म्यांमार के साथ में, म्यांमार को ये कह रही है इंडियन सरकार कि आपने जो सीज फायर अग्रीमेंट साइन कर रखा है नेशनल सोशल काउंसिल ऑफ नागालैंड, जो खापलांग ग्रुप है, उनके साथ में आप ये अग्रीमेंट तोड़िए और इनके खिलाफ मुहिम चालू करिए, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, एनएससीएन एक इंसर्जेंट ग्रुप है जो नागालैंड स्टेट की मांग कर रहा है। तो ये लोग क्या करते हैं, इंडिया में कोई कार्रवाई करते हैं, कोई ऐसी घटना को अंजाम देके म्यांमार में जाके छुप जाते हैं, और म्यांमार सरकार ने इनके साथ में अग्रीमेंट साइन कर रखा है, तो म्यांमार सरकार कोई एक्शन इनके खिलाफ नहीं लेती, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ये चाहती है कि इनके अगेंस्ट अब एक्शन लिया जाए, ताकि ये हमारी टेरिटरी में आके कुछ गड़बड़ ना करें। तो ये रीना मित्रा कमेटी इसी कॉन्टेक्स्ट में आई थी, फिर हमने ये प्रीलिम्स के क्वेश्चंस भी इसमें डिस्कस किए थे कि अरुणाचल प्रदेश से कितनी बाउंड्री लगती है और डिफरेंट स्टेट से कितनी कितनी बाउंड्री म्यांमार के साथ में इंडिया शेयर करता है। तो ये स्टेट्स हमने ये भी डिस्कस किया था प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। और पेज 12 पे इंटरनेशनल न्यूज थी, बहरीन एक्यूजेस कतर ऑफ मिलिट्री एस्केलेशन। अब कतर ने इसमें क्या किया था कि टर्की के सैनिकों को कतर में डिप्लॉय किया गया है, जिसके चलते बहरीन को आपत्ति हुई। बहरीन ने कहा कि डिप्लोमेटिक डिस्प्यूट था ये, इसको आप मिलिट्री एंगल ना दें तो अच्छा है। तो ये न्यूज भी काफी इंपॉर्टेंट थी, काफी दिनों से ये चलती आ रही है, लगभग पूरा जून का महीना ये चर्चा में रही 5th ऑफ जून से। इंटरनेशनल, मैक्रन जो राष्ट्रपति हैं फ्रांस के, उनका कहना था कि यूक्रेन को मतलब दोबारा मिश्रित किया जाए, क्रीमिया को दोबारा से जुड़ा मतलब इनका वापस दिया जाए रशिया द्वारा। रशिया ने 2014 में एनेक्स कर लिया था यूक्रेन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा क्रीमिया, तो अब यूरोपियन यूनियन कंट्रीज द्वारा ये मुहिम चलाई जा रही है कि इसे वापस दिलवाया जाए यूक्रेन को। तो उसके चलते ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप, इसको इन्वॉल्व किया जाएगा इस कार्य में। अब ये हमने समझा था कि TDS कैसे लगाया जाता है, कि एक TDS का सेक्शन 52 है GST में, कि जो Amazon वगैरह जो पेमेंट करती हैं कंपनीज, जो भी की सप्लायर कंपनीज हैं, वो जो पेमेंट उनको करेगी Amazon वापस कस्टमर को जो सामान बेचा गया है उसके लिए, उसमें से 1% टैक्स डिडक्ट किया जाए, लेकिन अभी इन रूल्स को पोस्टपोन किया गया है। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जिनको नहीं हो इसके बारे में, वो 27 जून का ये वीडियो बिजनेस पेज लास्ट वाला देख सकते हैं एटलीस्ट। अब आते हैं दोस्तों 28 जून की ये न्यूज है, चाइना प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनकर्शंस। अब ये जो नाथुला पास वाली कंट्रोवर्सी चल रही है पिछले एक लगभग 4-5-6 दिन से, कि नाथुला से जो हमारे यहाँ से पिलग्रिम्स जाते हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए, चाइना ने उनकी यात्रा मिडवे स्टॉप करा दी थी, क्योंकि मतलब इंडिया ने जो प्रोटेस्ट किया था, ये जो रोड कंस्ट्रक्शन चल रही है भूटान की टेरिटरी की तरफ, जो कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के काफी पास आ जाती है इंडिया के, इसी के चलते इंडिया ने अपना जो रिजेंटमेंट है वो शो किया था। और अब जो यात्रा है ये जो कैलाश मानसरोवर की, ये लिपू लेक के रास्ते से दोबारा से रिज्यूम करी गई है इस कंट्रोवर्सी के चलते। तो ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है इस हफ्ते की, जो लोग बिल्कुल नहीं पढ़ रहे थे वो इसे एटलीस्ट पढ़ लेंगे। फिर आते हैं पेज वन की एक और इंपॉर्टेंट न्यूज थी, इंडिया यूएस स्टेटमेंट फोकसेस ऑन फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। ये हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर यूएस के दौरे पे जो गए थे 26 जून को,
उसके ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज में मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल पे आप देख सकते हैं एक स्पेशल वीडियो पूरी विजिट को जो कवर किया गया है उसके लिए। प्लस ये ज्वाइंट स्टेटमेंट में पाकिस्तान का क्रिटिसिज्म किया गया और चाइना को भी कॉर्नर करने की पूरी कोशिश करी गई और सैयद सलाउद्दीन जो कि मतलब टेररिस्ट ग्रुप का चीफ है उसे वहां पे इंटरनेशनल टेररिज्म का मतलब यूएस के जो होम डिपार्टमेंट है जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है उन्होंने उसे टेररिस्ट डिक्लेयर किया है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए। बिग गेन्स बट ज्वाइंट स्टेटमेंट गेट्स अ डेलिकेट बैलेंस। अब हिंदू की एडिटोरियल टीम ने यह कहा है कि ज्वाइंट स्टेटमेंट जो इंडिया और यूएसए द्वारा रिलीज किया गया दोनों लीडर्स की मुलाकात के बीच डोनाल्ड ट्रंप के और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात के बाद में जो ज्वाइंट स्टेटमेंट रिलीज करी गई उसमें एक डेलिकेट बैलेंसिंग देखने को मिल रही है। ज्यादा फोकस जो था ट्रेड पे था स्ट्रेटेजिक इश्यूज पे फोकस नहीं था इस बार की विजिट में अनलाइक जो बराक ओबामा के साथ में मीटिंग्स होती थी इन द पास्ट। अब ये साइंस एंड टेक के लिए ये न्यूज इंपॉर्टेंट है 28 जून के न्यूज़पेपर में कि WHO ने ये रिकमेंड किया है कि जेन एक्सपर्ट आप ये जो मशीन है जो एक ही साथ तीन टेस्ट्स मतलब तीन डायग्नोसिस कर सकती है ट्यूबरकुलोसिस HIV हेपेटाइटिस उसके लिए ये मशीन कंट्रीज जो कंट्रीज हैं वो इसे अडॉप्ट करें और इंडिया ने ऐसी मशीन्स ऑर्डर करी हैं अपने यहाँ पे TB प्रोग्राम के लिए 600 मशीन्स इंडिया ने ऑर्डर करी हैं। पेज 11 PM मोदीज नीदरलैंड स्टॉप ओवर। अब प्रधानमंत्री जी तीन देशों के दौरे पे थे पोर्चुगल USA एंड देन नीदरलैंड्स। नीदरलैंड में उन्होंने वापस आते हुए जो विजिट करी उसमें भी काफी अच्छा मतलब उसके रिजल्ट्स निकले इंडियन इंटरनेशनल पॉलिसी फॉरेन पॉलिसी के लिए। तो जीरो टॉलरेंस टूवर्ड्स टेररिज्म ये यहाँ पे भी दोहराया गया ये मुद्दा और जो नीदरलैंड्स है वो हमें सपोर्ट करता है इंडिया की मेंबरशिप के लिए जो यूनाइटेड नेशंस SC में रिफॉर्म की बात करी जा रही है और नेशनल और जो ये NSG की बात करी जा रही है न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में इंडिया जो मेंबरशिप चाहता है नीदरलैंड्स उसे भी सपोर्ट करता है। तो अब नीदरलैंड्स जो है ब्रिटेन का एग्जिट जो हो गया है यूरोपियन यूनियन से उसके बाद में 20% जो यूरोपियन यूनियन की तरफ हमारा जो ट्रेड है इंडिया का यानी कि लगभग 40 बिलियन डॉलर का जो ट्रेड है वो नीदरलैंड से होके गुजरेगा। तो नीदरलैंड वुड बी द नेक्स्ट गेटवे टू यूरोपियन यूनियन फॉर इंडिया। पेज 12 इंटरनेशनल न्यूज कोलंबियाज FARC रेबल्स सील हिस्टोरिक डिसआर्ममेंट। तो इन्होंने डील साइन करी है जैसे हमारे यहाँ पे नक्सलवादी हैं वैसे कोलंबिया में FARC ग्रुप था इनका। ये काफी टाइम से इनके बीच में और सरकार के बीच में जद्दोजहद चल रही थी अब फाइनली पीस अग्रीमेंट साइन कर लिया गया है। तो ये रहा कोलंबिया का मैप। इसमें मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे थे कुछ कुछ कि नेबरिंग कंट्रीज आप लोग बताएंगे ताकि प्रीलिम्स की प्रिपरेशन हम साथ साथ करते रहें। तो ग्लोबल वेव ऑफ साइबर अटैक्स अफेक्ट्स MNCs। अब WannaCry की तरह दोबारा से ये साइबर अटैक होने को देखने को मिला था पिछले हफ्ते में। तो काफी बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि मतलब सेंट गोबेन जो है फ्रांस की ग्लास कंपनी है रोजनेफ्ट है रशिया की ब्रिटिश एडवर्टाइजिंग जायंट है WPP ये सारी कंपनीज जो है पेट रैप के जरिए काफी ज्यादा अफेक्टेड हुई थी और इंडिया पे भी इसका अफेक्ट देखने को मिला था। ये बताया जा रहा है कि एशिया पैसिफिक में इंडिया इज द वर्स्ट अफेक्टेड कंट्री। तो पेज 1 है ये 30th of June के न्यूज़पेपर का गवर्नमेंट टू शेड स्टेक इन लॉस मेकिंग एयर इंडिया। तो ये फाइनली कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने इसे अप्रूव कर दिया था इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया गया है। कैबिनेट कमेटी जो है प्राइम मिनिस्टर की चेयरमैनशिप में काम करती है और जो ऐसे बड़े आर्थिक मुद्दे होते हैं उन पर डिसीजन इस कमेटी द्वारा लिए जाते हैं। अब स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर की डेफिनेशन मैंने वहां पे समझाई थी अगर आप लोगों को समझनी हो बेसिक इकोनॉमिक्स जो भी फंडे क्लियर करने हो चाहे वो जो TDS वाला फंडा था Amazon वाला चाहे ये आप मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल पे विजिट कर सकते हैं। अब दोस्तों इस स्लाइड में हमने ये डिटेल्स देखी थी कि बेसिक क्या क्या है मतलब फैक्ट्स क्या क्या है कैसे एयर इंडिया का इवोल्यूशन हुआ फाउंडेड बाय JRD टाटा फिर एकदम इसे नेशनलाइज किया गया उसके बाद में 2017 में इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया को मर्ज किया गया था। तो ये सारी फैक्चुअल डिटेल्स इंपॉर्टेंट हो जाती है MCQs के लिए चाहे वो UPSC हो चाहे वो कोई और एग्जाम हो। फिर चाइना कंस्ट्रक्टिंग रोड इन डिस्प्यूटेड टेरिटरी एट ट्राई जंक्शन। ट्राई जंक्शन जो है भूटान इंडिया और चाइना के बीच में वहां पे ये रोड कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है इसके चलते भूटान ने भी भूटानीज गवर्नमेंट ने भी ऑब्जेक्शंस अपने प्रेजेंट किए थे चाइनीज अथॉरिटीज को और इंडिया चाइना भूटान को जो है बैक कर रहा है कि भूटान की जो टेरिटरी है उसमें यूनिलैटरली चाइना कोई एक्शन ना ले और इसको इंडिया इससे इंडिया की सिक्योरिटी को भी खतरा हो सकता है जो ये रोड कंस्ट्रक्शन चल रही है। अब ये टेरिटरी है मैंने आपसे बार बार कहा है कि ये जो चीजें हैं आप अपनी फिजिकल ज्योग्राफी के लिए जो भी आप इंडियन ज्योग्राफी के लिए बुक पढ़ रहे हैं उसमें एटलीस्ट इसे देख लें।
अब दोस्तों पेज 12 पे आते हैं, कांग्रेस क्वेश्चंस रेफरेंस टू एडमिनिस्टर्ड कश्मीर। अब जो ज्वाइंट स्टेटमेंट रिलीज किया गया जिसकी हमने बात करी यूएसए में हमारे प्रधानमंत्री जी की विजिट के बाद में, उसमें एडमिनिस्टर्ड कश्मीर यूज किया गया है, नाम वर्ड जो यूज किया गया है, व्हाइल लेबलिंग सैयद सलाउद्दीन एज अ स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट। उस स्टेटमेंट में ये लिखा गया है कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर में इस सैयद सलाउद्दीन की टेररिस्ट एक्टिविटीज के चलते सैयद सलाउद्दीन को टेररिस्ट घोषित किया गया। लेकिन इंडिया का कहना यह है कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेट टेरिटरी, मतलब कांग्रेस का ओपोजिशन का कहना यह है कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेट टेरिटरी वर्ड ऐसा साउंड करता है जैसे इंडिया सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर को एडमिनिस्टर कर रहा है, हालांकि इंडिया का हिस्सा नहीं है जम्मू एंड कश्मीर, ऐसा इसमें सुनने में ऐसा लगता है, जबकि जम्मू एंड कश्मीर तो इंटेग्रल पार्ट है इंडिया का, इंडिया की हमेशा यह पॉलिसी रही है। तो फिर यूएसए की ज्वाइंट स्टेटमेंट में इंडियन एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर वर्ड क्यों यूज किया गया, उस पर इनका आक्रोश है और सरकार ने इसे बाद में एक्सेप्ट कर लिया कि हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। अब गवर्नमेंट अनवील्स न्यू हाइड्रोकार्बन पॉलिसी। देखिए इसमें मैंने आपको ये समझाया था ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी क्या होता है और नेशनल डेटा रिपोजिटरी का क्या फायदा होने जा रहा है, जो हमारे यहाँ पे जो एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी है उसको बूस्ट मिलेगा इससे। जब भी कोई प्राइवेट प्लेयर ये चाहेगा कि मतलब एक्सप्लोरेशन किसी भी सेक्टर में करना चाहता है, किसी भी गैस ब्लॉक के लिए करना चाहता है, तो देयर एंड देन उसकी ऑक्शन करवा दी जाएगी बिना वेट किए कि अगली ऑक्शन पीरियड कब आएगा। पेज 5 पे ये 1 जून के एक इंपॉर्टेंट न्यूज थी, ट्राई टू रिजॉल्व प्रिविलेज इशू सेज कर्नाटका हाईकोर्ट। अब अगर आप डेली बेसिस पे ये न्यूज एनालिसिस या एडिटोरियल एनालिसिस नहीं सुन रहे हैं तो 26 जून का एक एडिटोरियल है इस इशू पे, कर्नाटका वहां पे वर्ड स्टेट का नाम यूज हो रहा होगा, आप इसे समझ ले तो ज्यादा अच्छा है। पॉलिटी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, प्रिविलेज मोशन पे पहले भी क्वेश्चन आ रखा है, हमने एडिटोरियल में ये भी डिस्कस किया था फ्रेंड्स। तो ये चीज है, 10,000 फाइन इन पे लागू किया गया था 2 एडिटर्स पे, क्योंकि उन्होंने 2 MLAs के खिलाफ कोई रिपोर्ट पब्लिश करी थी MLAs की प्राइवेट कैपेसिटी में, बावजूद इसके उन्हें आर्टिकल 194 जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का उसके तहत प्रिविलेज कमेटी ने प्रोसिक्यूट किया इन 2 एडिटर्स को और 1 साल की सजा भी सुना दी। इसके चलते कर्नाटका हाईकोर्ट ने इंटरवीन करते हुए ये कहा कि इस मामले को सुलझाया जाए। अब पेज 7 पे हैवीएस्ट सैटेलाइट ऑफ इसरो लॉन्च्ड। अब ये 3477 kg स्पेसक्राफ्ट है, इसे लॉन्च किया गया और दूसरी बड़ी साइंस एंड टेक से उसी दिन खबर रही, इंडिया गेट्स अ शार्पर आई इन द स्काई विद कार्टोसैट 2E। अब ये 2 सैटेलाइट्स लॉन्च करी गई, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इनके बारे में आप पढ़ने के लिए टाउन प्लानिंग के यूज आएगी कार्टोसैट और ये सब, आप 30 जून का एनालिसिस आप देख सकते हैं, वहां पे ये डिटेल्ड एनालिसिस इसका अवेलेबल रहेगा। इसके हमने फीचर्स भी डिस्कस करे थे और एडवांटेजेस क्या रहेंगी वो भी हमने डिस्कस करी थी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ UPSC प्रिलिमिनरी एंड मेंस एग्जाम। अब पेज 11 पे इलेक्शन फॉर वाइस प्रेसिडेंट ऑन August 5। अब इलेक्शन कमीशन का ये कहना है भले ही 10 अगस्त को वाइस प्रेसिडेंट की टर्म ओवर होती है लेकिन 5 अगस्त को इलेक्शन इसका हो सकता है, खत्म कराया जा सकता है ये पूरा प्रोसेस। इसमें हमने ये भी डिस्कस करा था जो स्टैटिक पार्ट है कि वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें कौन कौन मेंबर्स होते हैं और नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं या नहीं होते हैं, ये चीजें हमने डिस्कस करी थी। और पेज 11 पे होम मिनिस्ट्री टू गिव सिक्योरिटी नोट टू GST नेटवर्क। तो GST नेटवर्क को सिक्योरिटी क्लियरेंस दिया गया, हमने ये डिस्कस करा था कि कौन कौन सी बैंक्स हैं, कौन कौन से जो इसमें स्टेक होल्डर्स हैं GST नेटवर्क में, ये प्राइवेट कंपनी के आधार पे इसे चलाया जाएगा। अगेन पेज 11 पे एक बड़ी न्यूज थी, प्राइम मिनिस्टर मोदीज विजिट टू अपग्रेड रिलेशनशिप विद इसराइल। तो हमारे प्रधानमंत्री जुलाई के पहले हफ्ते में यानी कि इसी हफ्ते में इसराइल की विजिट पे जाने वाले हैं, तो उस पर हमने डिस्कस करा था कि क्या क्या इसकी विशेषताएं रहेंगी, ये भी काफी बड़ी खबर है, अभी के लिए आप इसे इग्नोर कर सकते हो लेकिन फॉलो करना अच्छा रहेगा क्योंकि जब ये जाएंगे तो हम पूरी विजिट कवर करेंगे। वैसे बिजनेस पेज GST ट्रांजिशन टू पोज हर्डल्स, तो ये कहना था एशियन डेवलपमेंट बैंक के चीफ का, तो उन्होंने काफी कंसर्न्स हाईलाइट करे थे, वो आप नेगेटिव पॉइंट्स यूज कर सकते हो आंसर लिखने के लिए। और पेज 9 पे हाउ विल सेंटर इंश्योर स्टेट्स फाइनेंसिस, तो ये कल की बड़ी न्यूज थी 1 जून की, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आप समझ सकते हैं, जिनको बैकग्राउंड क्लियर नहीं है GST का, कॉम्पेंसेशन फाइनेंस कमीशन ने क्या कहा था, ये सब चीजें इससे क्लियर हो जाएंगी। अब बेनिफिट्स ऑफ GST क्या रहेंगे, ये हमारे यहाँ पे एक एमिनेंट इकोनॉमिस्ट है इंडिया के प्रणब सेन, उन्होंने बेनिफिट्स दिए थे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए और डीमेरिट्स मतलब ड्रॉबैक्स क्या है GST जैसे प्रेजेंट सिस्टम में लागू किया जा रहा है। तो सिंगल टैक्स तो है लेकिन फिर भी काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज इसमें है, तो ये आंसर के लिए स्टैंडर्ड डिटेल्स इसमें इन्होंने शेयर करी थी तो आप उसे नोट कर सकते हैं।
पेज 12 वर्ल्ड न्यूज पे इंडिया ऑफर्स हेल्प टू श्रीलंका नॉर्दर्न प्रोविंस। अब हमारे जो वहां पे हाई कमिश्नर हैं श्रीलंका में, उन्होंने वहां पे विजिट करके ये सारी चीजें बुक्स वगैरह वहां पे दी हैं श्रीलंका की नॉर्दर्न प्रोविंस को। अब TRAI की कल हमने न्यूज करी थी, तो इसके साथ ये सारी न्यूज खत्म होती है।